वेलकम फ्रेंड्स, शाम के 7 बज चुके हैं और आपकी एक उम्मीदों की क्लास शुरू हो चुकी है, जीरो लेवल मैथ। आज हम लोग देखेंगे 22 नंबर भाग, जो कि आपने कल के लाइव में देख लिया था, लेकिन आप लोगों ने आधे घंटे बिना लाइट के पढ़ाई किया था। मतलब अंधेरे में लाइट चल रही थी, 500 स्टूडेंट जुड़े थे लेकिन लाइट नहीं थी। आप लोगों के धैर्य के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो आप लोग उतना टाइम जुड़े थे हमसे बिना कुछ दिखते हुए भी। आज तो सब कुछ दिख रहा है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले दो लाइनें आप लोगों के लिए, मान और सम्मान की लड़ाई में अगर कभी अकेले रहना पड़े तो लह रहना, मतलब अकेले रह लेना, लेकिन खुद को टूटने ना देना, क्योंकि खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से मान पाओगे। जी बिल्कुल, इनको याद रखना। आज हम लोग भाग से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है, और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, देखिए पहला सवाल है आपके सामने, ये सब हमने कल देख लिया था, लेकिन आज हम दशमलव वाली भाग भी देखेंगे और छोटी बड़ी भाग, हर प्रकार की भाग देखेंगे। देखिए तो सिंपल सा, आप लोग जानते हैं, पहाड़ा याद किए होंगे बचपन में, कि दो का पहाड़ा पढ़ो, दस से ज्यादा ना हो, दो दूना चार, दो तीन छह, दो चौका आठ, दो पंचे दस, है ना। और आपने ये भी पढ़ा होगा, टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन, ये वगैरह वगैरह से होता है ना। तो वैसे ही हम लोग चलते हैं, ये दो दूना चार, दो तीन छह, दो चौका आठ, दो पंचे दस। देखिए दो के पहाड़े में दस आता है, लेकिन किस नंबर पे आ रहा है, एक दो तीन चार पांच, पांचवा नंबर पे ना। तो आप सिंपल में ऊपर पांच लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दस, ये हो गया खत्म। वैसे यहाँ जो लीगल तरीका है वो जीरो लिखते हैं, क्रॉस नहीं करते। लेकिन दूसरा सवाल इससे कुछ डिफरेंस है, उसमें क्या है कि दो का पहाड़ा पढ़ो पंद्रह आ जाए। अब दो का पहाड़ा में पंद्रह कभी नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों ने सम विषम संख्या पढ़ा होगा, सम संख्या हमेशा सम से कटती है, विषम संख्या हमेशा विषम से कटती है, तो वो पूरी तरह से कभी नहीं कटेगी। अगर आप आगे पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो दो पंचे दस और दो छह बारह, दो सत चौदह, दो अठे सोलह और दो नौ अठारह हो जाएगा, लेकिन कभी पंद्रह नहीं आएगा, है ना। तो पंद्रह नहीं आएगा तो क्या करेंगे, पहाड़ा इतनी बार पढ़ेंगे कि इससे ज्यादा ना हो। इसको लगभग सभी लोग जानते हैं, ज्यादा डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है फिलहाल। तो ये सात बार जाएगा, ये चौदह हो जाएगा, इस तरह से एक आएगा। इसमें देखिए शेषफल नहीं आता, इसमें आ गया, ये अलग है। जितने सवाल है उतने तरह के हैं, ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा इस क्लास को, भाग के मत जाइएगा बीच में। अब ये देखिए कुछ और अजीब सा है, इसमें कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसमें हम लोग पहाड़ा पढ़ेंगे कितना बार, चूंकि इधर हमारे पास केवल तीन है, इधर जो है 225 है। अब इसमें देखिए ये एक अंक है, इधर जो है तीन अंक है, तो हम एक अंक का भाग इसमें एक ही अंक में ले जाएंगे, पहले तीन का भाग दो में ले जाएंगे, लेकिन दो छोटा है तीन बड़ा है, इसलिए उसमें भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा तो पड़ोसी को भी साथ में मिला लेंगे, मतलब दोनों में ले जाएंगे। फिर अब तीन का भाग हम 21 में ले जाएंगे, कितनी बार, तीन का पहाड़ा पढ़ना है कि 22 से ज्यादा ना हो, तो तीन सते 21 होता है, 3 7 21, 3 8 24 ज्यादा हो जाएगा 22 से, तो ये 7 बार जाएगा, तो 3 7 21, यहाँ पे लाइन नहीं खींचते, अब ये घटा लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, 2 7 जाएगा 1, जो बगल में 5 है इसको उतार लेंगे, है ना। क्यों उतार लिया, क्योंकि यहाँ पे बच रहा था घटाने के बाद में, यहाँ पे क्यों नहीं उतारा, क्योंकि इसके बाद कुछ था ही नहीं 5 के बाद, है ना। तो ये अब फिर इसमें भाग जाएगा, तीन का पहाड़ा पढ़िए कि 15 से ज्यादा ना हो, 15 तक हो सकता है, तो 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15 ना, यानी कि 3 5 15, ये देखिए पूरा पूरा 15 आ रहा है, घटा लेंगे जीरो हो जाएगा। ये तो अलग था, ये अलग था, वो अलग था, लेकिन ये जो है ना उससे भी अलग है, अलग तो नहीं है लेकिन हम अलग लगाएंगे। देखिए कैसे, आप लोगों को बहुत जगह पर ऐसा काम लगता है जो सटीक मान बताना होता है, मतलब शेषफल से मतलब नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में इसको कैसे करेंगे। पहले इधर एक अंक है, इसमें हम एक ही अंक में भाग ले जाएंगे, अगर जाएगा तो, नहीं जाएगा तो दो अंक में ले जाएंगे, तो दो का भाग दो में जाएगा, एक बार जाएगा, यानी कि 2 1 2, इसको आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जीरो आ जाएगा। लेकिन यहीं पर ये खत्म नहीं होगा, अभी इसके बगल में भी बचा है 5, उसको आप यहां पे लिख लेंगे। अब हमें दो का पहाड़ा पढ़ना है कि 5 से ज्यादा ना हो, ये 50 नहीं है, भूल मत करिएगा, आगे लिखा है जीरो, उधर नहीं है। तो दो का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और घटाने पे आ जाएगा 1। लेकिन हमें सटीक मान बताना है, मतलब शेषफल नहीं बचाना है, तो क्या करेंगे, दशमलव बढ़ाते हैं। दशमलव का क्या कंडीशन होता है ध्यान दीजिएगा, ऊपर दशमलव
केवल एक बार बढ़ाया जाता है एक क्वेश्चन में, जीरो चाहे लाखों बार उतारना हो, यहाँ पे एक जीरो उतार लेंगे और दो पंचे फिर कितना बार जाएगा ये 10, खत्म हो गया ना। लेकिन अगर अभी और जीरो का काम लगता, अभी अगला सवाल बताएंगे ध्यान से देखिएगा, तो भी दशमलव हम बार बार नहीं बढ़ाते, दशमलव केवल एक बार बढ़ाते हैं और जीरो बार बार उतार सकते हैं। नोट कर लीजिए जल्दी से, हम आपके सामने से हट चुके हैं, या फिर आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए, वीडियो को तुरंत रोक लीजिए स्क्रीन पर टच करके, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कर लिए, आगे चलें। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखिए जो तीन भाग आपको दी गई है ना, ये बहुत अजीब सी हैं। इनका इंग्लिश देख लीजिएगा, सबसे पहले मेन मेन टॉपिक का, भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड बोलते हैं या फिर फैक्टर भी बोलते हैं, और भाजक, भाजक को क्या बोलते हैं, डिवाइजर, यानी कि भाजक इंग्लिश में डिवाइजर कहलाता है, भागफल को क्वोशिएंट बोलते हैं, शेषफल को रिमाइंडर बोलते हैं। अब इसमें हम आपको इसमें पहना के दिखाएंगे कैसे क्या, एक इसके बारे में देख लीजिए तो इसको करते हैं। जैसे अगर हमने भाग किया यहां पर 21 और ये 2 से भाग किया था हमने, 2 से कर दूं, नहीं 8 से या 4 से कर देते हैं। ये देखिए हम आपको यहां समझाना चाहते हैं, बस एक आया ना, जो एक आया ना वो ये क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर मतलब जानते हैं शेषफल, ये जो ऊपर गया ना ये क्वाशियंट है, मतलब कि भागफल, ठीक है, ये क्वाशियंट है, भागफल है। और जिसमें हमने भाग किया है कि 21 आपका यही है डिविडियन, यानी कि फैक्टर, डिविडेंड है, ठीक है। और जिससे हमने भाग किया था ये है आपका डिवाइजर, यानी कि भाजक। तो हुई ना मजेदार बात, आप लोग समझ गए ना क्या कैसे होता है। जल्दी से नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग अगले स्टेप पे चलते हैं। आप लोग एक बात समझ लें, हर दिन क्लास शाम को 7 बजे से ऑनलाइन लाइव होती है ये, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स नहीं पढ़े जाते हैं इस समय। क्यों? क्योंकि कमेंट्स पढ़ने में काफी टाइम चला जाता है और आपका कमेंट हम जल्दी से फिर से ही पढ़ना शुरू कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि हमारा नाम बोला जाए, जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनको बहुत बुरा लग रहा है कि मेरा नाम नहीं ले रहे सर, मेरा कमेंट नहीं पढ़ रहे। लेकिन बाबू अगर आपका मैं कमेंट पढ़ता हूँ, बातचीत ज्यादा हो जाती है, क्वेश्चन जो है पीछे हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। देखिए आपके कमेंट्स का जवाब लिख करके मिलेगा, ये तो आप समझ गए। इसमें कैसे करेंगे, तीन जो है एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, एक अंक में भाग ले जाएंगे, लेकिन तीन का भाग 2 में नहीं जाएगा। अब क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है। तो क्या करेंगे, 0 को भी अपने साथ में मिला लेंगे, अब 20 मिले जाएंगे। 3 का पहाड़ा पड़िए 20 से ज्यादा ना हो, 3 × 3, 3 × 6, 3 × 9, 3 × 12, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24, 24 तक हो गया, हो गया ज्यादा। कितनी बार जाएगा ये 3 × 6 = 18, क्यों, क्योंकि 21 जो है 20 से ज्यादा हो रहा है ना। तो 6 बार जाएगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 18 और आप घटाएंगे आ जाएगा 2। लेकिन इतने में ही हम इसको छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि हमें एक निश्चित संख्या लानी है। अब हम क्या करेंगे, ये शेषफल 2 नहीं बचाना है, हम ऊपर दशमलव बढ़ा देंगे, यहां 0 उतार लेंगे और फिर 20 आ गया तो फिर से 6 बार ले जाएंगे और 18 आएगा और फिर क्या आएगा 2। एक समझने वाला कॉन्सेप्ट समझिएगा, ये 2 फिर आ गया, जैसे आपने देसी भाषा में सुना होगा हिकना जिसे बोलते है ना, बार बार किसी कार्य के लिए मना करो फिर वो बार बार वही करे, है ना, तो वैसे ये भी हिकना है। देखिए बार बार ये 2 आ रहा है, 0 उतार रहे हैं, 20 आ रहा, फिर 2 आ जा रहा, फिर आएगा, फिर 2 आ जाएगा, ये कभी कटने वाला नहीं है। आप यहां फिर से दशमलव नहीं बढ़ाएंगे कि फिर से दशमलव बढ़ाएंगे फिर 0 उतारेंगे ना, एक बार दशमलव बढ़ाएंगे, हाँ बार बार 0 उतार सकते हैं मुफ्त में, फ्री है। तो आप यहां फिर से कितनी बार ले जाएंगे, आप एक बार ले गए थे 3 × 18, फिर ले गए 3 × 18, अब फिर जाएगा ये 3 × 18, फिर आएगा 2 और फिर 0 उतारेंगे फिर 20 हो जाएगा। आखिर यहां पे तो कोई नियम नहीं लग रहा है, कोई दिमाग नहीं लग रहा है, ये 18 आता जाएगा, ऐसे कटेगा नहीं कभी। तो क्या करेंगे, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं डॉट 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 अनंत बार, ठीक है। लेकिन अनंत बार लिखने से काम नहीं बनने वाला है, करेंगे क्या हम लोग, फिर हम लोग ये करेंगे कि इसको बार बार ना लिख करके इस पे बार लगा देंगे और वो हो जाएगा 6.6 के ऊपर बार, मतलब जो अंक बार बार ओवरलैप हो रहा है आ रहा है उसके ऊपर एक लाइन खींच देते हैं जिसे बार बोलते हैं या वर्ण कॉलम वगैरह बोलते हैं। वर्ण कॉलम तो अलग होता ही नहीं,
ठीक है, समझ गए ना। तो ये बार होता है, ये भी एक प्रकार की भाग है, लेकिन ये भाग बिल्कुल भागने वाली भाग है। अगला देखिएगा, इन्हीं की फैमिली का ये भी है, एक छोटा भाई। तीन का पहाड़ा पढ़ेंगे, इसमें कितनी बार जाएगा, तीन पचे पंद्रह, तीन छंग अठारह, तीन सत्ते इक्कीस, और लगभग में कितनी बार हो जाएगा, तीन त्रिका नौ है ना, घटाने कितना आया एक। अब आप क्या करेंगे, ऊपर दस हम लोग बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, फिर यहाँ जीरो उतार लेंगे। अब ये तीन त्रिका नौ, फिर घटाने पे एक आएगा, और फिर जीरो उतार लेंगे, और फिर तीन त्रिका नौ, इस तरह से ये देखिए एक आ गया। ये कभी कटने वाला नहीं है, क्यों, क्योंकि बार बार ये इतना ही आता चला जाएगा, और ये कभी कटने वाला नहीं है। यहाँ पे जो रिमाइंडर बच रहा है, ये रिमाइंडर इसी तरह का बचा रहेगा। आप अगर फिर से एक बार ले जाएंगे यहाँ पर, तो भी फिर से वन ही आएगा, और ये कभी कंप्लीट नहीं होने वाला। इसलिए आप क्या करेंगे, इसके आंसर में, इसके फाइनल आंसर में आप लिख देंगे 3.333। ये बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से यहाँ पर थ्री के ऊपर आप बार लगा देंगे, और इसका कंप्लीट आंसर 3.3 उसके ऊपर बार हो जाएगा। समझ गए ना, किसी को कोई कंफ्यूजन है निसंकोच बोलिए, और जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं वो लोग कमेंट करें, क्या आपको कोई दिक्कत हो रही है। ये कुछ सिंपल से सवाल थे जो लगभग आपके सभी कंपटीशन एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए यानी कि महत्वपूर्ण भी है, और आते भी हैं अक्सर, और आए भी हुए हैं। अब जो हम लोग देखने वाले हैं ये कुछ अजीब टाइप का है, ये भी आसान, इसमें ये वन बार जाएगा, जैसे कि आप लोग अभी छोटी क्लास का क्लास देख रहे हैं, है ना, जो वहां जीरो था इसको भी यहां लिख लेंगे, ओके। अब कितनी बार होगा, अब यहां पर ये तीन बार जाएगा लगभग, तो ये इतना आ जाएगा, फिर वन आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आप दशमलव बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, अगर ले जाना है अंतिम तक तो तीन बार जाएगा नौ, और फिर एक आ जाएगा, इस तरह से फिर दशमलव बढ़ाएंगे, और ये ऐसे रिपीट होगा। इसका फाइनल आंसर होगा 13.3 के ऊपर बार। ये भी एक भाग ही थी, समझ गए ना। देखिए आप 40 मिनट की लाइव में जो सीखते हैं ना बाबू, वो 10 मिनट के वीडियो में सीखते हैं, क्योंकि वीडियो में आपका टाइम वेस्ट नहीं होता है। आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, आप अच्छी क्वालिटी का वीडियो चाहते हैं छोटा, या फिर आप एक दो घंटे की लाइव क्लास चाहते हैं जिसमें आपके नाम वगैरह सब बोले जाते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अब इन सेक्शन को आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसको नोट कर लिया ना, मैं मिटा देता हूँ, रोक के लिख लीजिए जल्दी से, वीडियो को टच करिए रुक जाएगा, और फिर लिख लीजिए, नहीं किया तो थोड़ा सा पीछे करके देखें और फिर से कर लें प्रक्रिया। स्क्रीन पर टच करेंगे, एंड्रॉइड में देख रहे हैं, लैपटॉप में देख रहे हैं, माउस को घुमाएं उस पे, स्क्रीन पे एक बार टिक करें, रुक जाएगा वीडियो, और फिर लिख लीजिएगा। चलिए अब बताइए आप लोग, ये है भाज्य, और ये है आपका भाजक, और ये है भागफल, और ये है शेषफल। इंग्लिश आप जानते हैं, भाज्य मतलब डिविडियन, डिवाइजर, क्वाशियंट एंड रिमाइंडर। अगर किसी क्वेश्चन में आपको भाज्य दे दिया गया है कितना 10, भाजक दे दिया गया 3, सभी लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए भागफल क्या आएगा, सभी लोग कमेंट्स करेंगे। ये सवाल सभी के लिए, ऑप्शन आपके सामने है, पहला सवाल मान लेते हैं, इसका पहला ऑप्शन है कि भागफल इसमें 5 आएगा, दूसरा ऑप्शन 3 आएगा, तीसरा ऑप्शन है 9 आएगा, चौथा ऑप्शन 1 आएगा। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग फटाफट, अमित कुमार, मोनालिसा, शोभित मिश्रा, ब्रजेश कुमार, और कोई, जल्दी करें जी। बिल्कुल ठीक है, राइट आंसर, आप लोगों के काफी लोगों के आंसर राइट है, तीन बार जाएगा, क्यों कैसे, यहां पे 3 आएगा, ऐसे सेम टू सेम, ऐसे भाज्य 10 दिया था, भाजक 3 दिया था, इसमें 3 बार भाग जाएगा ना, पहली बार 3 बार जाएगा ना, तो जो ऊपर जाता है वही तो भागफल होता है। भागफल बोलो या फिर भाज्यफल, भागफल या भाज्यफल, या इंग्लिश में क्वेश्चन बोलते हैं, ओके। रिमाइंडर क्या भरेंगे, शेषफल, अरे ये जो नीचे बच रहा है ना ये 1, समझ गए, थोड़ा सा दिमाग की बत्ती और आगे चलाइए, और एक क्वेश्चन और करके जाइए, जल्दी करिए तुरंत फटाफट। अगर भाज्य नहीं दिया है
सोचिए, गेस करिए, भाज्य नहीं दिया आपको, दिया है भाजक दो दिया है और भागफल आठ दिया है, शेषफल एक दिया है। जल्दी से कमेंट करके बताइए भाज्य क्या आएगा, फटाफट बताइए। इसके लिए आप लोग ये लगाएंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेष। सभी के आंसर आ गए। सवाल नंबर दो, पहला ऑप्शन है 19, दूसरा 17, तीसरा 15, चौथा 9 ऑफ दीज। जल्दी से कमेंट करें इस पे क्या भरेंगे। सभी के उत्तर हो चुके होंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, बस यहीं पे नहीं रहेंगे, चलें आगे। कोई कंफ्यूजन है, निसंकोच बोलिए, बिल्कुल दिल खोल कर बोलिए, आपकी अपनी क्लास है, हो गया ना। अगला सवाल जो अब हम लोग लिखेंगे उसको आप लोग करके लेके आएंगे और खुद बताएंगे, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लीजिए, वीडियो को थोड़ा पीछे करके लिख लीजिए अगर आपने लिखा नहीं अभी तक, तो फिर हम लोग चलते हैं आगे। देखिए अगला सवाल, अगला सवाल क्या है जो आप लोग करके लेके आएंगे। इसमें भाज्य नहीं दिया गया है, भाजक दिया गया है 9 और ये भागफल दिया गया है 3, शेषफल दिया गया 1। इसमें भाज्य आपका दिया गया 39 और भाजक नहीं दिया गया है, भागफल दिया गया है 13, शेषफल 0। तो भाग किससे करेंगे, आपको भाजक बताना है, क्लियर। ये सवाल नंबर आपका पी हो जाएगा, ये सवाल नंबर क्यू हो जाएगा, ये सवाल नंबर आर हो जाएगा। आर में आपका भाजक दिया होगा 100, माफ करिएगा, भाज्य दिया 100, भाजक दिया है 10, तो भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। इन तीनों सवालों के जवाब आप कमेंट करिएगा, व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिएगा जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। आप लोग वीडियो का डिस्क्रिप्शन अवश्य देखें जिससे आपको जानकारी मिल सके। अगर आप इस तरह की क्लास हर दिन चाहते हैं तो इस नंबर पर JOIN ज्वाइन लिख करके भेजें और क्लास ज्वाइन करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, जिससे आपको सभी क्लास हर दिन मिल सके बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना किसी दिक्कत के, है ना। और इसके अलावा आप कॉल भी कर सकते हैं क्लास से संबंधित किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने के लिए, यहाँ पर दिखाया गया ये कॉन्टेक्ट नंबर आपके लिए, हो गया ना। तो इन्हें नोट कर लीजिएगा, अगर नहीं लिखा अभी तक तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा। अपनी पढ़ाई से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं आपकी अपनी वेबसाइट pvrstudy.com जो कि आपके लिए 24/7 उपलब्ध है। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो उसे आप हमें ईमेल कर सकते हैं pvrstudy@gmail.com। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक के माध्यम से और सभी दूसरी क्लास को तुरंत ही आप लोग लाइक कर दें, मतलब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये क्लास मैथ आसान है चैनल पर देख रहे हैं, देखिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये, ध्यान से सुनिएगा, जाइएगा नहीं कोई भी। अगर आप ये क्लास मैथ आसान है इस चैनल पर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से पीवीआर स्टडी सब्सक्राइब करें, क्योंकि पीवीआर स्टडी पर इस समय आपके लाखों स्टूडेंट हैं। 10 अप्रैल 2019 को पीवीआर स्टडी में 65,580 स्टूडेंट थे, मतलब आज के दिन, ठीक है। अगर आप पीवीआर स्टडी पर देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, दोनों का अगर आपके पास नोटिफिकेशन मिलेगा तो आप सभी क्लास प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही नहीं, आपकी कुछ स्पेशल क्लासें एक स्पेशल चैनल पर होती हैं और वो कौन सा है उसे भी मत भूलिएगा, ये अपने में ही महान है, जिसका नाम है पीवीआर स्टडी ग्रुप। जी हाँ, ये सभी चैनल आपके लिए क्यों बनाए गए हैं, इन सभी की अलग अलग खासियत है, अलग अलग फीचर है अपने, अगर आप देखेंगे तो खुद एहसास करेंगे, समझ गए ना। इन तीनों चैनल से आप जुड़े रहेंगे तो आपको मैथ में कोई माई का लाल रोक नहीं सकता कि आपको ना आए, पूरी 100% गारंटी के साथ हम आपको मैथ सिखाते हैं, बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपके दिल में भी चाहत है तो आप बन सकते हैं, वो बॉलीवुड का हीरो नहीं, ये पढ़ाई जगत का, ठीक ना। और आपको भी स्टडी से प्यार हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, लोग प्यार में दीवाने होते हैं, आप पढ़ाई में हो जाएंगे। अगर हर दिन क्लास देखेंगे तो अब तक जीरो लेवल की 200 से प्लस क्लास हो चुकी है, जो कि 3 या 4 बैच में अलग अलग होती है, कुछ क्लास की टाइम अलग होता है, कुछ का अलग होता है, आप अपने सुविधा अनुसार देख सकते हैं। तो जो बातें मैं आपको बोल रहा हूं ये करके दिखाऊंगा।
आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार यदुवंशी फिर से मिलूंगा एक नई उम्मीद के साथ एक नई क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। दिए गए नंबरों पर संपर्क करिएगा, क्वालिटी को सेटिंग से चेंज कर लें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। थैंक यू। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।